सुदफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। एमरल्ड कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर सील चंदेला ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी।
शील चंदीला, चेयरमैन एमराल्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सर, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, तीनों का अहम रोल होता है, तीनों का योगदान होता है शिक्षा के स्तर को सुधारने में। जीवन के किसी के भी क्षेत्र को सुधारना हो तो आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि लाइफ में यदि बैलेंस बनाना हो तो साइकिल सवार की तरह उसका जीवन होता है। साइकिल सवार जिस तरीका से अपना चलता है तभी बैलेंस बनता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी लगातार शोध और रिसर्च की जरूरत है। पहले बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बच्चों की ज्यादा थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम थी। अब इंटेलेक्चुअल बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप है, लेकिन बायोलॉजिकल वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, इस समय शोध करके एजुकेशन को भी उसी स्तर पर सुधारने की जरूरत है। सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसमें भी तीनों का रोल है। शिक्षक जो आज बच्चों को खाली जो एम लेकर चल रहे हैं वो अपने रिजल्ट्स, परिणाम और उसकी तरफ होता है, और दूसरा अपना प्रोफेशनल हो गए हैं। दूसरा स्टूडेंट्स का एम सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ ही क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जिनकी तरफ है, बाकी संस्कार की एजुकेशन, नैतिक शिक्षा और जो है सिर्फ ग्रेडिंग एजुकेशन रह गई है। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? पाठ्यक्रम में एजुकेशन को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए उसी स्तर के शिक्षक भी होने जरूरी हैं जो एजुकेशन को तरीके से बच्चों तक डिस्प्ले कर सके, शिक्षा दे सके। आज सर प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, कहां तक इस बात से सहमत हैं? इसमें जो फीस के बारे में जो अभिभावक कहते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावक ही दोषी हैं। वो फैसिलिटी चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत ज्यादा स्कूल से होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए स्कूल्स में कंपटीशन होता है और उसके लिए फिर फीस में वृद्धि होती है। सर, छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर कोई आप संदेश देना चाहेंगे छात्र? छात्र की दिनचर्या योगा के साथ होनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक के साथ होनी चाहिए, ताकि उनका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, शरीर को के साथ साथ ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। इसके बाद में बच्चे को अपने नियमित रूप से शिक्षक जो एजुकेशन दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ये ट्यूशन कल्चर और इसको खत्म होना चाहिए, इससे भी उनकी डेवलपमेंट पर, दोनों तरीके की डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, शारीरिक भी और बौद्धिक भी।